यूं तो नागौर की राजनीति और राजनेता पिछले लंबे समय से प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में समझ रखने वाले राजनीतिज्ञ अक्सर ये कहते हैं कि नागौर जिले की राजनीति का ऊंट जिस करवट बैठता है राजस्थान में वो ही पार्टी सरकार बनाती है। नागौर जिले ने प्रदेश देश को कई कद्दावर नेता दिए हैं जिन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी है। पहले जहां मिर्धा परिवार से जुड़े नेताओं का दबदबा देश भर में था वहां अब बेनीवाल परिवार अपना वजूद बढ़ा रहा है। वर्ष 2019 की राजनीतिक हलचल और घटनाक्रमों पर नजर डालें तो पूर्व विधायक रामदेव बेनीवाल के पुत्र हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अपनी विशेष पहचान बनाई है। करीब 1.25 साल पहले खुद की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर खिवसर से तीसरी बार चुनाव जीतने वाले बेनीवाल ने खुद की पार्टी से दो और विधायक जिताकर अपनी ताकत का एहसास कराया था। तो मई 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन कर प्रदेश की एकमात्र नागौर लोकसभा सीट खाली कर दी जहां हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़कर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा को 1,81,260 मतों के अंतर से हरा दिया। इसके बाद पिछले 21 अक्टूबर में हुए खिवसर विधानसभा के उपचुनाव में एक बार फिर से RLP और भाजपा ने संयुक्त रूप से चुनाव लड़कर कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा को हरा दिया जबकि मिर्धा को जिताने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी। इस चुनाव में हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल ने चुनाव जीतकर एक साल में मिर्धा परिवार को दूसरी बार शिकस्त दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक साल में ही पूरे देश में छा गई है। इस पार्टी ने एक साल में ही सबसे तेज गति से आगे बढ़ते हुए राजस्थान की तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आज इस पार्टी से एक सांसद और तीन विधायक हैं। प्रदेश में RLP ऐसी पार्टी है जो बिना किसी नुकसान के सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा उठाने में आगे रही है। सांसद हनुमान बेनीवाल के RLP को एक साल में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 2019 RLP के लिए बेहद लकी रहा। क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रमोशंस के बारे में कुछ सोचा है? नहीं तो आपको सोचना चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टीनेशनल कंपनी, आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। नंबर वन, अट्रैक्टिव वीडियो। सोचिए, ऑनलाइन कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं जिससे आपका प्रोडक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे आप अपनी साइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं जो आपकी सर्च इंजन से आपकी SEO रैंक को इम्प्रूव करता है। नंबर टू, अट्रैक्टिव स्पोक्स पर्सन। आपके प्रोडक्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देता है आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो भी बिल्कुल किफायती दामों में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।